हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से वर्गमूल भी निकालेंगे और घनमूल भी निकालेंगे, दोनों इसी वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे। तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है और कैसे पता कैसे हम पहचानेंगे कि किसका हमें वर्गमूल निकालना है और किसका हमें घनमूल निकालना है। देखिए, तो वर्गमूल का जो होता है साइन, वो इस प्रकार होता है। वर्गमूल का साइन यानी चिन्ह जो है इस प्रकार होता है। अगर ऐसा चिन्ह दिया रहा तो इसका मतलब हमें वर्गमूल निकालना है, बशर्ते इसके आगे कुछ नहीं दिया होना चाहिए। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया हो, जैसे कि यहाँ पे रूट है 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या, हमें इसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, अगर रूट 78 दिया हुआ है तो हमें ये जो संख्या है वो अंडर रूट 78 यानी रूट के अंदर में 78 दिया गया है। ठीक, अगर घनमूल की बात हो तो घनमूल में देखिए ये सेम साइन रहता है, यानी चिन्ह जो होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन घनमूल में यहाँ पे इस घन के अंदर जो है 3 लग गया रहता है। अगर ये 3 लग गया है तो समझेंगे कि हमें इसका घनमूल निकालना है। जैसे कि रूट अगर इसके अंदर कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 9 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, हमें इसका घनमूल निकालना है। और इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हो, सिर्फ रूट के अंदर संख्या हो, तो इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए पहले हम वर्गमूल निकालते हैं, फिर उसको घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक संख्या ले लिया है 44,100 यानी 44100 संख्या ले लिया, और इसका जो है हमें क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। चलिए बहुत ही आसान तरीका से सीखते हैं। जैसे आप एलसीएम बनाते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से हमें बनाना है। तो एलसीएम बनाने के समय क्या करते हैं, एक नीचे की तरफ एक लाइन ले लेते हैं, फिर इस और एक सामने की तरफ ऐसे लाइन ले लेते हैं, और जो संख्या वो दिया हुआ रहता है वो संख्या इसमें हम लिख देते हैं, जो संख्या दिया हुआ संख्या लिख देंगे। चलिए अब जो है हमें इस संख्या में ऐसे छोटी संख्या से भाग लगाना है जो ये संख्या उस संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो ये संख्या देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम ये भाग लगने वाला इसमें है, तो 2 से हम भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाने क्या मतलब इस पूरा संख्या में 2 से भाग लग रहा है और ये संख्या कट जाएगा। तो 2 दूना 4, फिर 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 100 कितने बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या एक बार में लेंगे, तो पहले हम 0 लगाएंगे, फिर 50 दूना 100, मतलब 2 से लगाने का मतलब क्या है कि उस संख्या का आप आधा कर देंगे। अब ये भी संख्या जो है 2 से लगने वाला है, 22,050 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 से लगा रहे हैं तो 11,025 हो जाएगा। अब जो है देखिए लास्ट में ये 25 है, तो ये 2 से लगने वाला है नहीं, तो हमें यही देखते चलना, मतलब आपको अपने माइंड में सोचना है या फिर आप भाग बगल में करके देख सकते हैं कि कौन संख्या किस संख्या से कटने वाला है। अब ये संख्या जो है यहाँ पे कितना से कटने वाला है, तो अब ये संख्या 3 से भी कटने वाला और 5 से भी कटने वाला है, लेकिन हमें पहले छोटी संख्या से लगाते चलना है। तो हम यहाँ पे 3 से लगने वाला है, तो 3 से लगाते हैं। 3 से जब ये संख्या लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये तो कटेगा 3,675 बार में। ठीक, 3 से लगाएंगे तो आप भाग करके, आप बगल में ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 11,025 है तो इसमें भाग करके देख सकते हैं, 3 से लगाएंगे जो आएगा वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ऐसे आप करेंगे तो 3,675 बार में ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 से फिर कटने वाला है, जितनी बार में कटेगा, जो संख्या से कटेगा ना, उसी संख्या से हम लगाते चले जाएंगे। अब जो ये 3,675 है, 3,675 में हम 3 से लगाए हैं, तो ये कितनी बार में कटा है, तो 1,225 बार में ये कट जाएगा, यानी इसका जो है 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 1,225 इसका आएगा। अब ये संख्या 3 से कटने वाला है नहीं, उसके बाद 5 से कटने वाला था, यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे, जितनी जो संख्या है जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से हम लगाएंगे। तो ये 5 से लगाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 यहाँ पे कट जाएगा, 245, यानी 5 से संख्या में पूरी संख्या भाग देंगे तो 245 बार में ये कट जाएगा। फिर हम 5 से ये कटने वाला, तो फिर 5 से लगाएंगे, जितनी बार में कटेगा उस संख्या से लगाते चले जाएंगे। तो 245 से हम 5 से लगाएंगे तो ये कटेगा हमारा 49 बार में, 49 यानी 245 से 5 से भाग देंगे तो 49 आएगा। फिर ये अब 49 जो है 5 से कटने वाला है, नहीं तो 7 से कटने वाला, 7 7 49, यहाँ पे हम 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर हमारा एक लास्ट बच गया 7, और हमें जब तब तक ये करते रहना है कि जब तक हमारा नीचे 1 ना जाए, तो 7 1 7, फाइनली जो है हमारा यहाँ पे 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो जो संख्या से हम यहाँ पे लगाए हैं उस संख्या को लिख लेंगे। देखिए 2 2 बार हैं, 2 × 2, 3 2 बार हैं, 3 × 3, 5 2 बार हैं, 5 × 5, 7 2 बार हैं, 7 × 7। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि दो संख्या का पेयर बनता है, यानी दो संख्या का समूह हम बनाते हैं। तो यहाँ पे दो दो संख्या को लेकर, मतलब दो संख्या इक्वल टू 1 संख्या, यानी दो संख्या लेंगे ना तो एक संख्या हमें लिखना पड़ेगा। तो ये 2 संख्या, फिर ये 2 संख्या, फिर ये 2 संख्या, फिर ये 2 संख्या, दोनों संख्या सेम होना चाहिए, तो इन दोनों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। यहाँ पर 2 2 है, तो वर्गमूल में क्या करेंगे, हम 1 2 बाहर निकाल लेंगे, फिर
ये यहाँ पे दो तीन है तो एक तीन बाहर निकाल लेंगे, सबका गुना करते चले जाएंगे। दो पांच है तो एक पांच बाहर, दो सात है तो एक सात बाहर। अब सबका हम आपस में क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए, तीन दुना छह, छह पंच तीस, और तीस में सात से करेंगे तो सात इक्कीस इक्वल टू 210। यानी हमारा जो वर्गमूल आया, जो जो 44,100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा तो 210 होगा। ठीक, अंडर रूट हटेगा तो कितना जाएगा 210 हो जाएगा। फिर अगर आप इसी का स्क्वायर करेंगे, 210 का स्क्वायर करेंगे तो ये इतना निकल के चला आएगा। तो इसी टाइप से हम वर्गमूल बनाएंगे। चलिए अब हम घनमूल निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक घनमूल का क्वेश्चन ले लिया है कि क्यूब रूट 3375, यानी रूट के अंदर में क्या है 3375 और इसके आगे क्यूब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका घनमूल निकालना है। तो बिल्कुल जिस प्रकार हम ये वर्गमूल निकालना है बिल्कुल उसी प्रकार ये भी निकालना है, लेकिन इसमें हमें तीन तीन का समूह लेना है। जब ये बन के निकल के आ जाएगा तो हमें तीन तीन नंबर का पेयर बनाना है, यानी समूह बनाना है। चलिए जैसे हम एलसीएम निकालते हैं या फिर जैसे ये बनाए बिल्कुल उसी प्रकार कर लेना है। जो संख्या और संख्या हमें इसमें लिख लेना है 3375 है। अब हम आपको क्या बताया था इसमें कि सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना स्टार्ट करना है। तो इसमें छोटी संख्या से कितनी से लगने वाला है तो ये पांच से भी लगने वाला है, तीन से लगने वाला है, लेकिन दो से नहीं लगने वाला। तो हम पहले तीन से ही लगाएंगे। तो 3375 यानी 3375 में तीन से भाग देंगे तो कितनी बार में ये कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 1125 बार में कट जाएगा। आप ऐसे मतलब चेक करके देख सकते हैं। ठीक, या फिर ये यहाँ पे पांच से भी कटने वाला और तीन से भी कटने वाला, फिर हम तीन से लगाएंगे तो 1125 में फिर तीन से भाग देंगे तो ये 375 बार में यहाँ पे ये कट रहा है। ठीक, 375 बार में ये कट रहा है। फिर यहाँ पे तीन से ये लगने वाला, 375 में फिर तीन से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 125 बार में यहाँ पे ये कट जाएगा। तो मतलब आपको ऐसे चेक करना है या फिर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे लगाना है। 125 में आप देखिए तीन से लगने वाला नहीं, अब यहाँ पे कितने से लगाएंगे तो हम पांच से लगने वाला, तो पांच से लगाएंगे। 125 में पांच से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा तो 25 बार में, 25×5=1,250, तो 25 बार में यहाँ पे ये कट रहा है। फिर यहाँ पे पांच से लगने वाला तो पांच से लगाएंगे, 25 में पांच से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा पांच बार में कटेगा, 50×25। फिर यहाँ पे हम पांच से लगाएंगे, एक है तो 5×5, फाइनली हमारा यहाँ पे एक एक आ गया। अब जो संख्या है उस संख्या को हम यहाँ पे लिख देंगे, कौन कौन सा संख्या है, 3×3 है और 3×5 है, 1, 2, 3, 5 3 बार है, 1, 2, 3। अब देखिए आपको हम क्या बताया है कि इन सब संख्या में से हमें क्या करना है, तीन तीन संख्या का हमें समूह बनाना है। ठीक, घनमूल में हमें तीन तीन संख्या का समूह बनाना है और वर्गमूल में हमें दो दो संख्या का समूह बनाना है। तो तीन संख्या यहाँ पे, तीन को तीन है तो एक तीन हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे तीन ठो पांच है तो एक पांच हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इन आपस में इन सबका गुना कर देंगे तो हमारा ये कितना निकल कर चला आएगा, 3×5=15। यानी जो है 3375 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसी प्रकार से हम वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं और इसी प्रकार से निकाला जाता है गुणनखंड विधि से। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।